हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। मैंने इसके पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया था कि क्या क्या कभी एग्जामिनेशन होने वाली है। ऐसा बोला गया था कि 23 के अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन होएंगी। सो अभी तो एकदम परफेक्टली न्यूज भी आ चुकी कि अभी एग्जामिनेशन अप्रैल और मई महीने के बीच में ही होने वाली है, ऐसा मैं आपको न्यूज बताने वाला हूँ। ठीक है, ये टाइम रेंज है एग्जामिनेशन का और December 3, 2020 की न्यूज है, आपको पता करके रखनी है। ठीक है गाइज, इस जो न्यूज में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका एग्जामिनेशन पता चलेगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने के वाले कि नहीं होंगे और सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ इसमें डायरेक्टली अपने मतलब न्यूज के सोर्सेस से पता चला है और ओरिजिनल न्यूज है गाइस, आप अच्छे से पूरा का पूरा देख लेना। लेकिन ये तो फिक्स है कि अप्रैल और मई महीने के लास्ट में एग्जामिनेशन होंगी, ये एकदम परफेक्टली फिक्स हो चुका है गाइस। आप लोग में से बहुत सारे लोग जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और 2021 में जो लोग सोच भी रहे होंगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या हाल चाल है, कि कैसे एग्जामिनेशन दोगे, कितना सिलेबस रिड्यूस होगा, क्या नहीं होगा, तो अभी जैसा कि एग्जामिनेशन की कोई भी न्यूज पे नहीं आई है, तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोग को प्रिपरेशन एकदम जारी रखना है और प्रिपेयर आपको करते रहना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। तो गाइस उसके लिए आपको पता है कि अनअकैडमी ने 2021 वाली बैच लोगों के लिए मैराथन, मेगा मैराथन लाया है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, या मैं आपको बता दूं कि जो अनअकैडमी है फ्री ऑफ कॉस्ट जो जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करती है, मैं आपको तुरंत ही उस न्यूज को पता चलता है, क्योंकि एज अ मैं भी एजुकेटर हूं अनअकैडमी में, सो मैं सारी चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड करता हूं कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, तो जो बच्चा कोई एफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कर लेगा। तो मेगा मैराथन मतलब विद मेस्ट्रोस आपको और ये आपको यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो 3 December को, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो फ्री स्पेशल मतलब क्लासेस हैं यहाँ पे और इंडिया के पढ़ाने वाले हैं IIT JEE में, जो कि यहाँ पे सारे लोग अवेलेबल हैं। JEE मेन एंड एडवांस के लिए 2021 जिनको प्रिपेयर करना है, सारे टीचर से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जितने भी है सबके सब। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाएंगे ये सारे मैराथन को, और आप इसमें से अच्छी खासी स्टडी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा है। जिसको भाई पैसे नहीं है भरने के लिए, उनके लिए ये सारी स्पेशल क्लासेस मैराथन की चलती हैं, और इससे ना तो मेरा कोई फायदा है ना आपका कोई फायदा है, बस आपको सिर्फ यही फायदा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाओगे, और इससे बड़ा फायदा भला क्या हो सकता है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी तो कैसे ज्वाइन करनी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है अपना अनअकैडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर में जाना है, देन अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें रजिस्टर कर लेना मोबाइल नंबर से या कहीं ना कहीं से फोन नंबर ईमेल आईडी से। उसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस से आना है और फ्री वाली क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपसे कोई इनरोलमेंट करने के लिए फीस मांगे या पैसे मांगे कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो आपको ये कोड विदाउट स्पेस में डालना है, मैंने स्पेस दे रखा है, आपको स्पेस के विदाउट डालना है न्यू इंडियन एरा कैपिटल लेटर में, और आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाओगे, आपको कोई भी पैसे भरने नहीं पड़ेंगे। और अगर नहीं मांगते हैं पैसे वगैरह तो कोई टेंशन नहीं, आप बिंदास ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये बातें आपको फायदे मिल जाएंगी। सो गाइज अभी बात करते हैं हम लोग अपने परफेक्ट वाले न्यूज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो ये न्यूज है मुंबई लाइव की, आप यहाँ पे इसे देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज ये न्यूज है। सो आप लोगों को इसको अच्छे से फॉलो करना है और सुनना है लास्ट तक, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स बिगिन गाइज, आपको दिखाता हूं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने मीडिया को मतलब कहा था, जो कि इस न्यूज में छापा गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने बोला है, सारी चीजें लाइन टू लाइन, कब स्कूल खुलेंगी, कब क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखो, वर्षा गायकवाड़, महाराष्ट्र एजुकेशन Minister recently speaking to the media stated that the class 10th 12th board examination will be conducted in the offline mode only. ये आपको पहले भी मैंने न्यूज़ दे दी थी, ये तो उन्होंने बोला ही था। उसके आगे she further stated that it would not be feasible to alter the pattern of SSC and HSC, मतलब कि कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सिलेबस रिड्यूस होने वाला है और भी, और ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा, सिलेबस वगैरह आप कुछ भी रिड्यूस नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसा पैटर्न है वैसा ही पैटर्न रहेगा। गायकवाड़ स्पीकिंग अबाउट द डेट्स ऑफ फॉर द एग्जाम examinations are same, added that the government is trying its best to conduct the examinations between the month of April and May. ये बात आपको बहुत important है, star mark कर लो इस point को, मतलब April और मई महीने के बीच में exams को conduct कराने के लिए government एकदम try कर रही है, ऐसा education minister ने media को कहा है, ऐसा ये आपके सामने news है। मतलब मैंने भी आपको वही बताया था कि आपको April और मई के बीच में paper होंगे, मतलब April 23 के बाद, ऐसा बोला गया था ना, तो April 23 के बाद तो मई महीना भी आता है, जून भी आता है, सब आता है, तो ऑफलाइन एग्जाम में यहां पे एग्जामिनेशन हो सकते हैं। बहुत सारे जगह में स्कूल भी खुलेंगे, आगे स्कूल के बारे में भी उन्होंने बात की, तो बताता हूं क्या क्या है।
यूजली द बोर्ड एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, जैसा कि हमेशा फरवरी और मार्च में होता था. हाउएवर द मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन हैव बीन पोस्टपोन्ड दिस ईयर ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस. आगे बढ़ते हैं. ऑन अदर हैंड, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो अनुराग त्रिपाठी उनके सीबीएसई बोर्ड के चेयरपर्सन है. सीबीएसई बोर्ड सेक्रेटरी हैड अर्लियर इन्फॉर्म्ड दैट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन जनवरी 1 टू फरवरी 8. मतलब ये सीबीएसई वालों के लिए है कि मतलब जनवरी 1 से लेकर फरवरी 8 तक के बीच में उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा. ये बात आपको समझना है. और 20 नवंबर को तो अपने अनुराग त्रिपाठी जी ने कह भी दिया था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर भी उनकी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है और वो प्लान्स को वो लोग जल्दी असेसमेंट के फॉर्म में यानी मूल्यांकन करा करके और आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्या-क्या भाई चीजें हैं. आगे बात करते हैं. अगर मुंबई की बात करूं तो यहां पे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कह दिया है कि भाई दिसंबर 31 तक बिल्कुल भी यहां की कॉलेजेस स्कूल बंद रहेंगे और बाकी अदर जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको पता भी होगा, आप बहुत सारे लोग स्कूल जा भी रहे होंगे, कॉलेज जा भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, बट मुंबई में 31 के बाद ओपन हो जाएगा अच्छे से और सब कुछ खुल जाएगा मस्त. तब तक तो अभी 31 तक तो बंद ही है, 31 के बाद सब कुछ ओपन होगा और अप्रैल महीने में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगी. ठीक है, ये बात आपको समझनी, सारी चीजें फटाफट ले जाएंगी. और एट द एंड में आपको लास्ट में एकदम लेकर के आता हूं कि मतलब क्या है सारी चीजें. तो इन्होंने कहा कि देखो कभी कुछ भी हो जाए कि अभी ऐसा नहीं करना, इन्होंने कह दिया है वर्षा गायकवाड़ जी ने कि अगर एक बार अगर स्कूल ओपन हो जाएगा तो इमीडिएटली मतलब बंद करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, चाहे भले कितना भी कॉन्टेजियस डिसीज हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी बंद नहीं करेंगे हम. जब भी डिसीजन लेंगे तो अच्छा वाला डिसीजन ही लेंगे और स्कूल जब ओपन होगी तो दोबारा बंद इमीडिएटली नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कह दिया है. और तो और फाइनल डिसीजन अपने यहाँ के सीएम के ऊपर डिपेंडेंट है और ये बात इन्होंने ऐसी कही है, बस दैट्स इट. मतलब जिस दिन फाइनल डिसीजन आएगा तो अपने यहां के सीएम ही लेंगे एंड नथिंग. ठीक है, तो ये फाइनल न्यूज़ थी. मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि अप्रैल और मई महीने में हमारा एग्जामिनेशंस होने वाली हैं, जिन्हें आपको अच्छे से समझ के रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपने आप में. ओके माय डियर, सो इस चीज को आपको एकदम दिमाग में अपने बिठा लेना है और सोच समझ लेना है और भी तरीके से आपको पढ़ाई करना इसी वक्त से एकदम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब तो पक्का भाई हो चुका है कि एग्जामिनेशन अप्रैल और मई के बीच में हो सकती है, ऐसा हमारे यहां के लोगों ने बोला है और ऐसा होंगी क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है यार, मतलब जाएगा एग्जाम, समझ रहे हो, और ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होगी. ये बात आपको समझ नहीं है, रिटन एग्जामिनेशन ही होने वाला है, प्रैक्टिकल का भी कुछ नहीं पता है, सिलेबस रिड्यूस अब नहीं होगा क्योंकि कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं आएंगे ऐसा बोल दिया है. तो बहुत सारी चीजें आपको एकदम परफेक्टली और कंफर्म तरीके से पता चल चुकी है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखोगे और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करोगे. सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, मस्त अच्छे से पढ़ाई करते रहो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे ऐसी और किसी बेस्ट वाली न्यूज में, तब तक के लिए बाय बाय. और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा. बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू.